Namaskar. Anybody who doesn't understand Hindi here? तो मैं हिंदी में बातचीत करना प्रेफर करूँगा. सो सो मेरा नाम कुंवर सचदेव है और गलती से मैंने कंपनी फाउंड की सू कैम्प. और जैसे पहले एक स्पीकर ने बोला कि उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था स्कूल में. और कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था क्या करना है लाइफ में. फादर रेलवेज में थे और हम तीन भाई हैं, तो मेरे फादर को हमेशा मेरे बारे में चिंता रहती थी, ये लड़का क्या करेगा, क्योंकि मैं बातें बड़ी बड़ी करता था, सोचता भी बहुत बड़ा था, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जैसे सारे बच्चे करते हैं. फैमिली की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी. मेरे फादर सर्विस कर रहे थे और बिज़नेस भी करना चाह रहे थे, तो जो पैसा सर्विस से मिलता था वो पैसा बिज़नेस में काफ़ी हद तक बहा दिया जाता था. पर उनके जीन्स जो थे वो एंटरप्रेन्योर के जीन्स थे, वो जो शायद मेरे में आए. और ही वॉज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, कुछ करना चाहते थे बिज़नेस, लेकिन बिज़नेस किसी के साथ मिलकर करते थे तो हमेशा बिज़नेस में नुकसान हो जाता था या वो बिज़नेस ले जाता था जो उनका पार्टनर होता था. तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उन्होंने 12वीं के बाद कोई पढ़ाई नहीं करी, घर के हालात कुछ ऐसे थे. उन्होंने पेन बेचने शुरू करे, किसी से पेन लेते थे और पेन जाके दुकानों पे बेचा करते थे. तो मैं 10वीं में था, मैं निकला और फिर मैंने भी उनके साथ जाके पेन बेचने शुरू करे साइकिल पर. तो ऐसे स्टोरी चालू हुई लाइफ की. तो सेल्समैनशिप तो बहुत जल्दी आ गई थी, क्योंकि 10वीं से ही जाके दुकानों में पेन बेचने शुरू करे, पैसे कैसे लेते हैं, पेन कैसे बेचते हैं, उधारी कैसे होती है, तो वो वाला प्रोसेस वहीं से शुरू हो गया था. फिर मैंने ब्रदर के साथ काम करता रहा, मैंने 11 12th करी, फिर मैंने कॉलेज गया. कॉलेज में भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, गलती से स्टैटिसटिक्स कर ली, क्योंकि नंबर ठीक ठाक थे. मैं गया, उसके बीच में एक और स्टोरी भी है, वैसे मैं वो स्टोरी बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबी लंबी स्टोरी हो जाएगी. सो कॉलेज करने के बाद मैंने अपने ब्रदर को ज्वाइन किया, 2 साल उसके साथ काम किया. मैंने जो ये ब्रांड था सू कैम, मैंने पेन लाइन के बारे में सोचा हुआ था, क्योंकि मैं पेन पे काम कर रहा था तो मुझे लगता था कि मुझे पेन पे अपना ब्रांड चलाना है. तो मेरे ब्रदर के साथ काम करते करते तब तक नई सड़क में दुकान हो गई थी, गाड़ी आ गई थी, काम अच्छा सेट था. तो मैंने कहा मुझे फैक्ट्री लगानी है. तो मेरे ब्रदर को ये थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं थी बात. फिर चलता रहा, फिर हमारे पास 2 दुकानें होगी, तो उसने बोला यार तू एक दुकान तू कर ले, एक दुकान मैं कर लेता हूँ. मैंने कहा नहीं यार, दुकान पे नहीं बैठना. सो करते करते मैंने कुछ सोचे समझे बिना क्विट कर दिया. मैंने कहा मैंने नहीं जाना दुकान पे. तो मेरे फादर ने बोला क्या करोगे भाई तुम. मैं कह जी वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी दुकान पर नहीं जाऊँगा. तो ऐसे 15-20 दिन मैं दुकान पर नहीं गया. और मुझे लॉ करना था, तो मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया इवनिंग में. मैंने कहा चलो लॉ कर लेते हैं. एंड उस दौरान ही मेरी एक दोस्त है, उन्होंने कहा क्या कर रहा है. मैंने कुछ नहीं कर रहा. कह रहे यार राजा सेल्स की जॉब है. मैंने कहा ठीक है, कुछ कर तो रहे नहीं है, सेल्स की जॉब कर लेते हैं. सो आई जॉइंड ए कंपनी जहाँ केबल टीवी का बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग थी. सो आई जॉइंड दैट कंपनी फॉर 2 ईयर्स एंड फिर अपना दिमाग चल गया चलो यही खोलते हैं बिजनेस. सो आई स्टार्टेड विद द केबल टीवी बिजनेस विद इंस्टॉलेशंस. मैंने केबल टीवी के पार्ट्स कहीं से लेके, अब MATV CATV बिजनेस होता था, उसके बाद फिर केबल टीवी बिजनेस चल लिया. 89 में मैंने बिजनेस शुरू किया था और 92 में मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी केबल टीवी के पार्ट्स की. एंड वो बिजनेस करते 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 थोड़े पैसे बनाए. पहले करोड़ मैंने वहीं बनाया केबल टीवी बिजनेस में. वहाँ पे मैंने डिश बनाए, एंटेनास, डिश एंटेनास, एम्पलीफायर्स, जो भी केबल टीवी का आजकल आपको सामान दिखता है. उस टाइम फिर 2 चैनल 5 चैनल 10 चैनल इस तरह से चैनल बढ़ने लग गए. फिर एक दिन मेरे घर में एक इन्वर्टर लगा हुआ था. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो काम कर ही रहा था, तो वो इन्वर्टर वाला आता था, कभी कुछ ख़राब कभी कुछ ख़राब. तो मैंने उस दिन एक पूछ लिया भैया ये बता यार प्रॉब्लम क्या है इस इन्वर्टर में, रोज़ रोज़ तुम आते हो, कभी बैटरी ले जाते हो कभी इन्वर्टर ले जाते हो. बोला सर आपको नहीं समझ आएगा. तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है. तो मैं इन्वर्टर उठा के अपने घर का अपने
ऑफिस फैक्ट्री ले गया। मैंने लड़कों को बोला खोलो बेटा इसको, खोला हमने देखा बड़ा जंगल ऑफ वायर्स है। मैंने कहा यार ये कैसे प्रोडक्ट चलता है, क्योंकि तब तक हम भी केबल टीवी बिजनेस में थे जहाँ पे हम यू नो पीसीबीज वगैरह बना रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी नॉलेज थी। तो हमने कहा ये बिज़नेस कैसे चलता है। फिर हमने बाकी और बड़े सारे इन्वर्टर मंगाए बाजार से, तो हमने देखा सबका यही हाल है ऑलमोस्ट। तो फिर हम लग लिए उस काम के ऊपर। और बेसिकली अगर आप देखें तो केबल टीवी वाज आरएफ लाइन, आरएफ लाइन में भी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी डिफरेंट लाइन। सो काम करना शुरू करा, इधर उधर से इन्वर्टर मंगाए। एक मेरा दोस्त था कनाडा में, उससे भी एक इन्वर्टर मंगाया मैंने, आरवीज के अंदर लगा करता था। तो हमने ले दे के कुछ इधर का कुछ उधर का नकल नुकल मार के हमने एक इन्वर्टर बना लिया, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो लगा दी अपने दोस्त यारों के यहाँ, खूब गालियाँ खाई, पर तब तक मेरा केबल टीवी बिजनेस चल रहा था। ऐसे करते करते मैंने एक साल के अंदर हमने एक इन्वर्टर बना लिया जो मतलब 70% चलता था, 30% फेल होता था। पर उस टाइम के जो इन्वर्टर थे वो 50% या 60% 70% फेल हुआ करते थे, कोई रिलायबिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, इन्वर्टर लाइन में काम करना शुरू किया। अच्छा मेरी वो स्लाइड आ गई, वेरी गुड। ये चलाएगा कौन, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में आ सकता है? बिकॉज आई वुड लाइक टू शो यू द फोटोग्राफ्स बिकॉज दैट विल मेक मोर रिलेवेंट। कैन यू गिव मी दिस? इधर से चलेगा, कहाँ है हमारा कंट्रोल? सो मैंने अपनी जो पहली कंपनी थी उसमें 10,000 रुपये जोड़े थे और उधर से काम शुरू किया था। तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुना ही चुका हूँ। सो ये पहली दुकान थी मेरी जो सेंटर में देख रहे हैं, जहाँ से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, केबल टीवी बिजनेस। इट वाज अ रेंटेड यू नो शॉप फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड द बिजनेस। इट इज़ वेरी रिलेवेंट कि आप दिखाओ लोगों को कि आप कहाँ से शुरू हुए थे। पिक्टोरियल चीज़ से जो इम्पैक्ट आता है, मेरे को लगता है दूसरी किसी चीज़ से इम्पैक्ट नहीं आता। ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस है। फिर इन 2017 वी हैव, आप पढ़ी ले रहे हैं, 2000 प्लस लोग काम करते हैं कंपनी में और ग्लोबल प्रेजेंस है, 50,000 से ऊपर डीलर नेटवर्क है ऑल अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली वी आर देयर। सो दीज आर ऑल प्लांट्स वी हैव इन इंडिया। फिर ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि मुझे ना ब्रांड के बारे में पता नहीं था, ब्रांड क्या होता है। तो मेरे को जब मैं इन्वर्टर बेचने लग गया तो लोग आए, लोगों ने बोला जी इन्वर्टर बिकने लग गए, काम चलने लग गया। तो एक बहुत सारे लोग आते थे, बोलते थे सर एक बोर्ड लगवाना है। मैं बोलता बोर्ड बोर्ड क्या लगाना है यार, छोड़ तो 1,000 रुपये तेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, ये ले डिस्काउंट लिया ले जा। तो फिर एक उस समय में एक कोई कंपनी थी जो बड़ी अननोन सी, मतलब थोड़ा नोन ब्रांड हो गया था क्योंकि वो बहुत एडवर्टीजमेंट करता था। तो मेरे को एक आदमी आया, बोले जी आपका ना नाम नहीं है, ब्रांड नहीं है। मैंने कहा प्रोडक्ट तो हमारा ही अच्छा है, इससे हमारे से अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है। उसने वो नाम लिया, कह रहे जी उसका प्रोडक्ट अच्छा है। मैंने कहा यार उसका प्रोडक्ट मैंने तो आज तक देखा नहीं। मैंने उसका प्रोडक्ट मंगाया तो देखा बहुत घटिया सा इन्वर्टर था, पर वो मैंने देखा वो बड़ा एडवर्टाइज़ करता है। तो हमने सोचा चलो हम भी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो हमने फिर बोर्ड बोर्ड लगाने शुरू करे, फिर वहाँ पे भी अपनी इनोवेशन काम करना शुरू किया। तो जब मैं बोर्ड लगाने लगा तो फिर थोड़ा वन ट्रैक माइंड है मेरा, तो हमने देखा बोर्ड लगाने हैं तो चलो जी बोर्ड में हमसे आगे कोई नहीं जाएगा। तो हमने बड़े डिफरेंट तरीके से बोर्ड लगाने शुरू करे। तो एक टीम बनाई गई जिसको बोला गया चलो जी बोर्ड लगाने हैं। तो हम ढाबों पे गए, ढाबों पे जाके हमने उनको बोला हम तुम्हारा बोर्ड लगाएंगे। और ढाबों पे बोर्ड लगा के हमने उनका नीचे उनका नाम लिखा और उनसे पैसे लेने शुरू करे। ढाबे वाले को कोई बोर्ड नहीं लगाता था तब। हमने कहा ढाबे वाले तेरे को बोर्ड लगाएंगे। मैंने सोचा उसमें भी पैसे कमाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जहाँ बोर्ड लगाते हैं जहाँ पे हमारी ब्रांडिंग दिखनी चाहिए। एंड हमने ढाबों वाले के बोर्ड लगाए, कुछ पैसे ले लिए कभी, किसी ने नहीं भी दिए तो चल गया, पर ज़्यादातर से हम कुछ ना कुछ पैसे लेके आते थे। एंड आज की डेट में
आपको पता होना चाहिए ढाबे पे लोग बोर्ड लगाते हैं, लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए ढाबे वाले को देते हैं। फिर मैं एक बार कश्मीर में गया तो मैंने कश्मीर में देखा बोट में ना पानी चोरा था, तो मैंने सोचा चलो यार इनको ही ब्रांड कर देते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जैसी सारी ब्रांडिंग करी उसकी, उसके 6 महीने के बाद इट वॉज ऑल एयरटेल एंड यू नो अदर पीपल। उनको तो मैंने पैसे तो नहीं लिए थे लेकिन मैंने फ्री लगाए थे यहाँ पे। सो यू नो इन एडवर्टीजमेंट आई रियलाइज्ड यू नो इवन HTTOI में क्या होता था, छोटे छोटे कॉलम्स हुआ करते थे तो उनका प्राइस बड़ा सस्ता होता था और जो एडवर्टीजमेंट थी वो बड़ी महंगी थी। तो मैंने क्या किया, सारे के सारे डब्बे खरीद लिए उनके, तो पूरा हाफ पेज पे सूखम सूखम सूखम। तो उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई टाइम्स ऑफ इंडिया को और HT को। इवन जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मेरे पास कोई आया बोर्ड लगाने के लिए, तो सबसे पहले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी मैंने बोर्ड्स पे शुरू करा जैसे जो लोग आज करते हैं, पर बीच में खैर। सो वी हैव लॉट ऑफ पेटेंट्स, वी फाइल मोर देन 100 टेक्नोलॉजी पेटेंट्स, वी हैव कॉपीराइट डिज़ाइन ऑल दोस, बिकॉज पेटेंट की भी स्टोरी है। हमने बड़ा सारा काम किया, हमें नहीं पता था पेटेंट क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूव करते चले गए। और एक दिन एक कहीं हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन में गए हुए थे तो वहाँ पे एक चैलेंज आ गया कि पेटेंट कहाँ कहाँ है आपका, और मुझे पता नहीं था पेटेंट वेटेंट क्या होता है। तो वापस आए, किसी से मिले, उन्होंने समझाया भी आपको पेटेंट फाइल करने चाहिए। और पेटेंट क्या होता है मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, बट वंस वी गॉट द नॉलेज देन वी स्टार्टेड फाइलिंग पेटेंट्स। नाउ वी फाइल ऑलमोस्ट एवरी 3 months वी फाइल ए टेक्नोलॉजी पेटेंट। वी आर टॉकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी पेटेंट्स, नोबडी हैज़ यू नो सच ए बिग पेटेंट पोर्टफोलियो वॉट वी हैव राइट नाउ इन इंडिया। सो देन हमने सोलर स्टार्ट किया। सोलर में लोग सोचते हैं भाई आप सोलर में क्यों आ गए, तो मैं लोगों को समझाता हूँ भाई हमारा सोलर इज़ अ पार्ट ऑफ आर बिजनेस, बिकॉज हम लोग पहले एक AC यूज़ करते थे, अब 2 DC 1 AC यूज़ करते हैं। एंड सोलर इज़ अ यू नो एक छोटी सी बात बोलूँगा कि आज की डेट में अगर आप इन्वर्टर लेने जाएँ तो आपको एक भी चाइनीज़ इन्वर्टर इंडिया में नहीं मिलेगा। दिस इज़ दी ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे आपको एक भी इन्वर्टर नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ मतलब कोई परसेंटेज की बात करेगा, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक भी पीस आपको चाइना से नहीं मिलेगा यहाँ पे। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि चाइना से इन्वर्टर आया, लोगों ने कभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया कि चाइना से इन्वर्टर इसलिए नहीं आए कि हमने टेक्नोलॉजी पर इतना अच्छा काम किया कि चाइनीज़ आज की डेट में अगर आप जाएंगे मिडिल ईस्ट में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग ब्रांड। सो हमने इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी पे कंटिन्यूसली चेंज करते चले गए, एंड वो चेंज इतने अच्छे थे कि चाइनीज़ ने भी हमारा इन्वर्टर कॉपी करके इंडिया में डाला। लेकिन जब तक उन्होंने डाला, और हम प्रोसेसर्स बहुत पहले डाल चुके थे, आई थिंक वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोसेसर्स वे बैक इन 2000 इटसेल्फ। सो 2000 से हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रोसेसर धीरे 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 इम्प्रूव होते चले गए। सो फिर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आजकल सोलर के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़े डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ट्रेडा के साथ प्रोजेक्ट किए हैं, यूपी नेडा के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, घरों में हमने सिस्टम्स लगाए हैं, छोटे छोटे सिस्टम जिसमें मतलब जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे हम लोगों को पावर देते हैं। तो ऐसे बड़े सारे प्रोजेक्ट में आपको बोर नहीं करना चाहता। सो अभी हमने LEDs लॉन्च किए हैं, LED पे भी हम बड़ी सारी इनोवेशन कर रहे हैं। सो हमने जब टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू करा तो हमने बीच में स्लाइड थोड़ी सी, मेरे ख्याल से एक आध स्लाइड रहेगी कहीं, तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, डिज़ाइन करे। पहली साइन वेव टेक्नोलॉजी हमने बनाई इंडिया के अंदर, सो राइट नाउ अगर आप हमारे इन्वर्टर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इन्वर्टर बनाए जो ब्लूटूथ से ऑपरेट होते हैं, मतलब आप फ़ोन से लीजिए, वाईफाई, ब्लूटूथ, GSM, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द फ़ोन नाउ, एंड देर आर सो मेनी कंट्रोल्स ऑन द फोन्स। अगर आप कोई इंटरेस्ट होए तो आप लोग हमारा एक चैनल है YouTube चैनल, YouTube पे हमारे मोर देन 200 वीडियोज़ हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो कभी किसी ने नहीं बनाए, हमने बनाए। सो हमने YouTube चैनल की हेल्प से
वी हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, क्या प्रोडक्ट करता है, कैसे चलता है, रिपेयर कैसे होगा, लगाएंगे कैसे लोग. सो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डाली है यूट्यूब पे. तो अगर आप हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स देखेंगे, दे आर ऑल, और इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब बहुत माइनर से चेंजेस हैं. सो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोलर के अंदर लोगों तक कैसे हम जो चीज़ हमने इन्वर्टर इंडस्ट्री में किया वैसे हम सोलर में कैसे करें. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सोलर के अंदर हम इतनी कॉस्ट इफेक्टिव ले आएँ कि घर घर में सोलर लगे, और जो आपका जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, जो आपके घर में बिजली पीछे से आ रही है, वो महंगी होती जा रही है. एवरी नाउ एंड देन बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है. सो वी आर कमिंग आउट विद वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जिससे आप हर आदमी अपने घर में लगाए. और इन्वर्टर भी कोशिश करेंगे कि हम बाहर से ना आए, क्योंकि अभी जैसे ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स हैं, ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स को पहले चाहिए नहीं थे, तो हमने कभी उस पर R&D पे काम नहीं किया. अभी हमने ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स भी बना लिए हैं, जिसमें ग्रिड में फीड कर सकते हैं आप. एंड ऑफ ग्रिड में तो हम एक्सपर्ट हैं ही, बिकॉज ऑफ ग्रिड हमारा पहले से बिजनेस है. तो ऐसे करके हमने बिजनेस किया, और मुझे लगता है मैंने बिजनेस में बहुत कुछ सीखा, मतलब पर हर चीज़ मैंने मार खा के सीखी, क्योंकि जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई मैंने सोल्यूशन नहीं किया. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत लर्निंग हुई, अपने बारे में भी लर्निंग हुई, और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ. और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं आई एम देयर फॉर यू.